हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज हम बताएंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ब्लॉक में टेबल ऑप्शन को यूज करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। फाइल में टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं टेबल ब्लॉक्स में जाकर टेबल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप अगर इधर से जाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टली है ये आपका रोस हो जाता है, और नीचे हम जैसे आते हैं ये आपका कॉलम हो जाता है, वर्टिकली कॉलम हो जाता है और हॉरिजॉन्टली आपका रोस हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रोस आपको 10 और 10 कॉलम्स मिल जाते हैं, ये इस टाइप से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी अपने काम के अकॉर्डिंग जितना भी आपको रोस और कॉलम रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे क्लिक कर लिया, इस टाइप से आपका टेबल रेडी हो गया है। आप एक दूसरा तरीका भी है टेबल बनाने का, आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है और टेबल में जाके यहाँ पे इंसर्ट टेबल है। यहाँ पे जाने के बाद आप जितनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग कॉलम नंबर ऑफ कॉलम लिख सकते हैं और नंबर ऑफ रोज भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6 5 लिया है और नंबर्स ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 4 कर दिया है रोस। नेक्स्ट है ऑटो फिट बिहेवियर में आपको फिक्स्ड कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अपने कॉलम की विड्थ की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए घटा बढ़ा सकते हैं या फिर ऑटो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑटो फिट टू कंटेंट का। इसे जब हम क्लिक करते हैं तो जब भी जो भी कंटेंट आप अपने रोस या कॉलम में लिखते हैं उसके आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वो रोस एंड कॉलम जो है वो सेट हो जाता है। जैसे ये करके दिखाते हैं, ये अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, टेक्स्ट एक कंटेंट टाइप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रोस जो है वो सेट हो जा रहा है, ये देखिए ये इस टाइप से सेट हो जा रहा है। नेक्स्ट है इंसर्ट में टेबल ब्लॉक्स में जाने के बाद इंसर्ट टेबल में आपको ऑटो फिट टू विंडो का ऑप्शन मिलता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका पेज का मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेबल सेट हो जाता है, ये देखिए ये आपका टेबल सेट हो गया है। अगर आप टेबल में चाहते हैं, इस टेबल में आपका जो टेबल बना हुआ है इस टेबल में आप टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है टेबल स्टाइल का। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, कोई सा भी आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये टेबल स्टाइल का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो भी टेबल बनाया है, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ बहुत सारे बॉक्सेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि दो बॉक्सेस को आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और मर्ज सेल का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो आपका दो सेल जो है, दो बॉक्स है वो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप इंसर्ट में जाएंगे फिर टेबल पे जाना है, इंसर्ट टेबल पे आपको रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप टेबल इंसर्ट करें तो आपका नंबर्स ऑफ कॉलम्स 6 और नंबर्स ऑफ रो जो है वो 4 ही हो, तो इसके लिए आपको रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल पे क्लिक करना होगा और जब भी आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपको 6 कॉलम और 4 रोस ही मिलेगा। इसे हम ओके कर देते हैं, ये देखिए हमें 6 इसी का टेबल बना हुआ है।
नेक्स्ट आप अपने हिसाब से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप फिर से इंसर्ट में जाइए। टेबल ब्लॉक्स में जाने के बाद आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको एक पेंसिल मिलती है, उसी से आप अपने टेबल को बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से आप टेबल को बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी रोज बना सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी आपने रोज बना ली। और जहां से भी आप चाहते हैं कॉलम बनाना, वहां से आप कॉलम इस टाइप से बना सकते हैं। ये हमने इस टाइप से कॉलम बना लिया। जहां से भी आप रोज चाहते हैं रोज बना लीजिए, जहां से भी कॉलम चाहते हैं और वो कॉलम बना लीजिए। इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई टेस्ट लिखा है, अगर आपने यहाँ पे कोई टेस्ट लिखा है और आप चाहते हैं उसे टेबल में कन्वर्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा नेम और एक टैब प्रेस करना है, उसके बाद आपने लिखा क्लास, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा रोल, एक टैब प्रेस करना है। उसके बाद आप इस टेस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इंसर्ट में जाके टेबल ऑप्शन ब्लॉक्स में जाके आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर चूंकि आपने चार टेक्स्ट लिखे हैं तो यहाँ पे आपको चार कॉलम्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपका चार ही लिखा रहेगा, और चूंकि आपने टैब का यूज करके टेक्स्ट को लिखा है तो यहाँ सेपरेट टेक्स्ट ऐड में टैब का यहाँ पे देखिए ऑप्शन चूज किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, तो इसे बस ओके कर दीजिए। ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई एक्सेल की स्प्रेडशीट भी लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए, टेबल ब्लॉक्स में जाके एक्सेल स्प्रेडशीट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाता है और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं कंटेंट वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप बाहर में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस कंटेंट में इस शीट पे फिर से काम करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये शीट आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको बनी बनाई टेबल चाहिए तो उसके लिए भी आप इंसर्ट टैब में जाके टेबल ब्लॉक्स में जाइए, और यहाँ पे आपको क्यूब टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप क्यूब टेबल का ऑप्शन ओपन करते हैं, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो सा भी आप ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। और ये देखिए ये मैंने चूज कर लिया, और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते, यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको टेबल यूज करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पे रहिए, टेक केयर, बाय।